Assalamu alaikum my beautiful family, welcome back to another amazing and super duper video of mine. क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बाल ऐसे ही बड़े ही प्यारे, स्मूथ, सिल्की और स्ट्रांग हो जाएं? If your answer is yes, then this video is for you. Keep watching. आज मैं आपके साथ बड़ा ही amazing DIY summer special hair pack share करने लगी हूँ. आजकल मैं बड़ी research कर रही हूँ different types of hair packs के, क्योंकि मेरे अपने बाल बहुत ख़राब हो गए थे और मैंने with the passage of time जो चीज़ें use की हैं जिससे मेरे बालों की growth improve हुई है, तो मैंने सोचा मैं वो आप लोगों के साथ भी साथ share करती जाऊँ. इंग्रेडिएंट जो इस DIY मास्क में चाहिए वो है राइस. राइस अमीनो एसिड्स की बहुत अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है और ये हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन करता है, बालों में शाइन ऐड करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल स्मूथ और सिल्की नज़र आते हैं. 2-3 टेबलस्पून मैंने अच्छे से वॉश कर लिए. वॉश करने के बाद हम इसमें पानी डाल के घंटा या 2 घंटे के लिए रख देंगे. नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लैक्स सीड्स. फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बालों को ज़रूरी प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और जिससे होता यह है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है. जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो उसकी वजह से हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी. इसके साथ साथ ये हेयर फॉलिकल इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है. हेयर फॉलिकल इन्फ्लेमेशन बेसिकली हेयर फॉल का कॉज करती है, तो ये उसको हेयर फॉल को रिड्यूस करता है. अच्छा जी, बहुत बातें हो गई, बहुत बेनिफिट्स हो गए. अब हम लेंगे 4-5 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स के, इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने के लिए हम चूल्हे पर रख देंगे. जब ये बॉयल होने लग जाएगा तो हम इसका फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे ताकि ये जेल फॉर्म हो जाए. अब हमने एक और पैन लेना है और उसमें पानी समेत जो राइस है वो डाल देना है. थोड़ा सा पानी हम और भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे राइस जो है अच्छे से बॉयल हो जाएं, और इसको भी हम पैन को जो है वो चूल्हे पर रख देंगे और राइस को बॉयल होने देंगे. अब थर्ड हमारे पास है एक मैजिक प्लांट, यानी कि एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल में फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं और ये रिच इन विटामिन होता है, विटामिन ए, B12, सी एंड ई. तो ये जो प्लांट है हमारे हेयर फॉलिकल्स को अल्टीमेटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे हेयर फॉल रिड्यूस होता है. अब देखें हमारे पास जेल निकल आया है. अब हमने इसको जेल को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है. यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाला जेल भी रेडी हो गया है, तो मैंने पैन रिमूव कर दिया है. अब हमने एक मलमल का कपड़ा लेना है और गर्म गर्म ही हम इसको छान लेंगे. अगर हम इसको गर्म गर्म छानेंगे तो जेल अच्छा निकलेगा, अगर ठंडा हो जाएगा तो जेल निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो इस तरह से हम दबा दबा के इसका सारा जेल अच्छे से निकाल लेंगे. हमारे पास अब 2 जेल आ गए हैं, एक एलोवेरा जेल और दूसरा है फ्लैक्स सीड जेल. ये दोनों जेल के बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं बालों के लिए. तो हम एक पैन में जेल लेंगे, ऑलमोस्ट 4-5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जेल लिया है, और एलोवेरा जेल जो मैंने सारा निकाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. और एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद राइस जो कि हमारे बॉयल हो चुके हैं, वो राइस जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. इस मास्क को आप कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में जो है वो वाजिया फ़र्क नज़र आएगा. आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ करें और 2-3 माह में ही यू विल बी सीइंग क्लियर रिजल्ट्स. ये मास्क मेरी बहन ने यूज़ किया था, उसने रेमेडी देखी थी, तो शी सेड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. सो अब ये हम सारा जो मिक्सचर हमने बनाया है एक मिक्सचर में ऐड कर देंगे, और मिक्सचर में ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसकी हमें एक फ़ाइन कंसिस्टेंसी मिल जाए और एक स्मूथ सा केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा. अभी देखें हमारा एक ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया. जो कंसिस्टेंसी है वो भी किसी मार्केट वाले केराटिन क्रीम से कम नहीं है, बिल्कुल वैसी ही क्रीम लग रही है. और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे बालों पे बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगी. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस तरह की और भी बहुत अमेजिंग रेमेडीज़, व्लॉग्स और कुकिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और वीडियो लाइक भी करें. अब हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे. ये तो फर्स्ट स्टेप है, एज़ ऑलवेज़ कोई भी मास्क लगाने से पहले आपने बालों को अच्छे से टैंगल फ्री कर लेना, कोई उलझन ना हो. और हम मास्क जो है ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और हाथों की मदद से भी. आपने रूट से स्टार्ट करना है, इसको रूट्स में भी अच्छे से लगाना है और एंड्स तक जाना है. तो इसी तरह से आप ये सारे बालों में अच्छे से लगा लें, और एप्लीकेशन के बाद आप बाल आराम से ऊपर से टाई करके कोई कैचर लगा के ऊपर से शॉवर कैप पहन लें. मैंने ये फ्लैक्स सीड जेल ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, अब हम इसको दोबारा भी रीयूज़ भी कर सकते हैं बाद में. तो मैं ये जेल बना के फ्रिज में रख दूँगी, इसको कुछ भी नहीं होगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. और एक और काम भी कर सकते हैं कि आप इसको स्प्रे बॉटल में डाल के अपने हेयर फॉलिकल्स में और हेयर रूट्स में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे.
2 घंटे के लिए हम मास्क को लगा रहने देंगे और उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल बी सीइंग क्लियर रिजल्ट्स, स्मूथ शाइनी एंड सिल्की हेयर और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके बाल और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और आपके बालों का टेक्स्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा और बाल थिक होंगे। फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। अल्लाह हाफिज़।